इस वीडियो में हम बनाएंगे लौकी के पराठे। इसे बनाने के लिए मैं लौकी को कद्दूकस करके लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में लेंगे, फिर इसमें हम एक छोटे टुकड़े में कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और लहसुन और धनिया का पत्ता डालेंगे। हाथों से क्रश करके थोड़ा अजवाइन डालेंगे। फिर हम इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। फिर सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें आटा डालेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तब आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए डो जो है बनके तैयार है। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसे मसल कर स्मूथ कर लेंगे। अब हम लोई बनाएंगे। अब हम इसे बेल लेंगे। तवा हमने गरम कर लिया है, इसे पराठे को रखेंगे और एक साइड से सेकने देंगे। तब तक हम दूसरे पराठे को भी बेल के तैयार कर लेंगे। ये पराठा जो एक साइड से सेक चुका है, इसे हम पलट देंगे। इस पर तेल लगा देंगे। आप तेल या घी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे पलट के दूसरे साइड भी तेल लगा देंगे। इसके बाद इसे हम अच्छे से उलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। ये हमारा पराठा अच्छे से सिक चुका है, इसे हम उतार लेंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरे पराठे को भी सेक लेंगे। अब इसी तरीके से हम सभी पराठे को बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सभी पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। इसे हमने दही के साथ सर्व किया। इसे आप किसी भी अचार, चटनी या दही के साथ सर्व कर सकते हैं। लौकी के पराठे को बनाकर आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।